लड़कियों, क्या हाल चाल है। तो आज भाई सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ अपने अपर लिप्स और आईब्रोज़ को नीट एंड क्लीन। अगर मेरी ये वीडियोज़ आप देखते हो पुरानी, तो आपको पता होगा कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। क्वारंटीन में सैलून जाना सबसे मुश्किल, और उससे भी ज़्यादा घर में अपने आईब्रोज़ और अपर लिप्स रिमूव करना, उफ तौबा। सो मैं यूज़ करूँगी वीट ईजी जेल की फेस स्ट्रिप्स अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप्स के लिए, क्योंकि बाल रिमूव करने के बाद जो है वो बहुत जल्दी नहीं निकलते। सो बॉक्स लुक्स लाइक दिस। इसमें 8 स्ट्रिप्स होती हैं, फेस स्ट्रिप्स और एक वाइप्स, और ये बॉक्स आपको मिलेगा 199 रुपीस का। इसको आप आईब्रोज, अपर लिप्स, चिन और साइड बर्न्स के लिए यूज़ कर सकते हो। चीक्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि क्योंकि चीक्स एरिया सेंसिटिव होता है। चलें भाई 3 स्टेप्स कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रिप लेंगे हम और उसको करेंगे ओपन, और उस एरिया पर अप्लाई करेंगे जहाँ से आपने करने हैं बालों को रिमूव, और इसको थोड़ा सा इस तरह से रब करेंगे एंड ऑपोजिट डायरेक्शन से हम इसको इस तरह से खींच लेंगे और आपके जो बाल हैं वो रिमूव हो जाएंगे स्ट्रिप के साथ ही। नॉट पेनफुल फॉर मी, क्योंकि मैं काफ़ी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, सो अब मुझे पेन फील नहीं होता। अब देख सकते हो कि बाल हो गए हैं रिमूव। आईब्रो के नीचे वाले सेक्शन से मैं पहले ही रिमूव कर चुकी थी क्योंकि वो बहुत ही खप था दिखाना, लेकिन ऊपर से आप देख सकते हो नीट एंड क्लीन हो गए विद दिस वैक स्ट्रिप। टोटली रिकमेंडेड आईब्रोज़ और अपर लिप्स के लिए। ये है वाइप जो कि इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद मतलब जब आप बाल रिमूव कर लो, आपने जेंटली इसको अच्छे से रब करना है उस एरिया पे जहाँ से आपने वैक्स यूज़ की है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टोनर। टोनर को मैं थोड़ा सा लेती हूँ और पूरे फेस पर अप्लाई करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ उस एरिया पे जहाँ पे हमने वैक्सिंग की है। यहाँ पे मैं किशमिश ऑर्गेनिक का क्लेरिफाइंग फेस टोनर यूज़ कर रही हूँ पहली बार। इसको मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन में थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि इसकी मैंने बहुत सारी तारीफ़ें सुनी थी, तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो मैंने थोड़ा सा लिया कॉटन पैड पे और अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। देन डॉक्टर राशिल का हाइलुरोनिक एसिड मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन है ड्राई, लेकिन एंटी एजिंग स्किन के लिए है ये बहुत अच्छा। आप अपनी स्किन केयर रूटीन में इसे ऐड कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ड्राई है तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसको यूज़ करना है। इस तरह से अप्लाई करना है, जेंटली मसाज करना है और ये बहुत मज़े से ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है VCN फ्लावर्स का ब्राइटनिंग एसेंस क्रीम। देखो हमने ग्लास स्किन, नो मेकअप, मेकअप लुक करना है, उसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी क्रीम, कोई भी एसेंस, कोई भी टोनर, अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। लेकिन आपकी स्किन होनी चाहिए अच्छे से प्रेप, ताकि आप इसके ऊपर प्राइमर वगैरह लगाओ तो वो आपको डूई सा अफेक्ट दे। सनब्लॉक है बहुत ज़रूरी। मैं बॉडी शॉप का स्किन डिफेंस फेस मिस्ट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें है SPF 30 PA++++। ये आपको देता है सन प्रोटेक्शन एंड बहुत ही खूबसूरत ग्लोई सा अफेक्ट देता है। इसको जब आप मेकअप के ऊपर करते हो तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अक्सर लड़कियाँ मुझे कहती हैं आपकी स्किन इतनी ग्लो क्यों करती है। मैं ये वाला सनब्लॉक अक्सर मेकअप के ऊपर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलिज़म ब्यूटी का ग्लो। इसका शेड है मूनलाइट और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको फाउंडेशन में मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन से पहले यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने इसको बहुत 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 अच्छे तरीके से शेक करना है ताकि इसके पिगमेंट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद आप इसको चीक्स पर अप्लाई करोगे और ब्लेंड करोगे, कमाल लगता है। जे ब्यूटी का ब्रावा मैं यूज़ करी हूँ इन शेड इस्लामाबाद, और इसे अपने आईब्रोज बनाऊँगी। इसमें पाउडर फॉर्म भी आता है और नीचे क्रीम फॉर्म भी। मैं पाउडर फॉर्म यूज़ कर रही हूँ एंगल ब्रश की मदद से, और स्लाइटली मैंने अपनी आईब्रोज़ को किया फिल। उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करी, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसीलर यूज़ करूँगी ऑन कलर का परफेक्टिंग कंसीलर स्टिक, और इसी कंसीलर को मैं अपनी अंडर आइज़ पर अप्लाई करूँगी, अपने फॉरहेड पे, चिन पे, एंड दैट्स इट। कोई फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं अप्लाई करी। अगर आपने अप्लाई करनी है तो आप कर सकते हो। इवन आप हाई कवरेज वाला कंसीलर ले सकते हो अगर आपकी अंडर आइज़ पर मतलब बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स वगैरह हैं तो। शेड वगैरह जो हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स के नाम वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। जिनको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता तो टाइटल के सामने एक एरो बना होता है, उसको क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाती है। सो कंसीलर यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया, और इसको ब्लेंड करना बहुत ईजी है। ब्लेंडर के लिए मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। सो जिनकी अंडर आइज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हैं उनको मैं करूँगी रिकमेंड ये वाला कंसीलर, क्योंकि ये अच्छे से आपके अंडर आइज़ को कर देता है कंसील
स्टील और बहुत ही पैची और अजीब सा नज़र नहीं आता। देन ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फोकालेयर का रेड वाइन इन शेड 02 और ये बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत क्रीम ब्लश है। आप कोई भी ब्लश वगैरह यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का, या टिंट भी यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा डॉट डॉट करके अपनी चीक्स पर अप्लाई करूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करूँगी। अब ग्लास स्किन के लिए यू डोंट नीड एनी कॉन्टोर, ठीक है, लेकिन मेरा फेस का जो शेप है वो थोड़ा सा राउंड है, तो आई विल बी यूजिंग नोट कॉस्मेटिक्स का ब्रॉन्जर इन शेड 30 और थोड़ा सा स्लाइटली मैं अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पे ताकि मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा डिफाइन लगे, इन शेप लगे, बहुत ही गोलू मुलू ना लगे। सो लुक्स लाइक दिस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और ये दो शेड यूज़ करूँगी यहाँ पे, एंड एक छोटू से हाइलाइटर ब्लश के साथ मैं उन पॉइंट्स पर हाइलाइट अप्लाई करूँगी जहाँ पे अमूमन अप्लाई करते होते हैं। कुछ लड़कियों को हाइलाइटर पसंद नहीं ऑन डेली बेसिस, तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने इसे चीक बोन्स, नोज़, चिन एंड फॉरहेड पर अप्लाई किया, इवन अपनी ब्राउ बोन और टियर डक को भी मैंने सेम हाइलाइटर यूज़ करके हाइलाइट किया है। देखो, अगर आप हाइलाइटर यूज़ नहीं कर रहे हो बट आपने सेटिंग स्प्रे ऐसी यूज़ करनी है जो कि आपको थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट दे, यहाँ पे मैं मैक का फिक्स प्लस यूज़ कर रही हूँ पिंक लाइट में। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे निक्स की सेटिंग स्प्रे हो गई या रिवाज यूके की सेटिंग स्प्रे हो गई, वो भी काफ़ी ड्यूई इफेक्ट देती है। आपने इस तरह से स्प्रे करना है और आपका फेस जो है और भी ग्लो करेगा, लाइक ग्लास स्किन, नो मेकअप मेकअप, या इट इज़ बहुत ज़्यादा मेकअप, लेकिन आप इसको बहुत कम रख सकते हो क्रीम और कंसीलर लगा के, एंड दैट्स इट। मस्कारा के लिए मैं स्टीला का मस्कारा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हो। एंड देन उसके बाद मैं लिप्स पर यूज़ कर रही हूँ एलिज़म ब्यूटी का टिंट, नीचे मैं शेड मेंशन कर दूँगी, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। मैंने इसे लिप्स पर इस तरह से अप्लाई किया और फिंगर की मदद से मैं थोड़ा सा इसको ग्रेडियंट इफेक्ट दे रही हूँ, कोरियन स्टाइल वाला। एंड लिप ग्लॉस के लिए मैं फोकालेयर का लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ शेड 04, बहुत ही खूबसूरत, हसीन और मिंटी मिंटी टेस्ट है इसका। आप कोई भी ग्लॉस यूज़ कर सकते हो, एंड इसमें थोड़ा सा रेडिश ऑरेंजिश टिंट है जो कि आपको मेरे लिप्स पर नज़र आएगा, लेकिन स्टिकी नहीं है एंड आई लव इट। सो ये था मेरा फाइनल लुक, नो मेकअप, ग्लॉस स्किन, यू नो। लेकिन काफ़ी लड़कियों को अभी भी बहुत सारा मेकअप नज़र आएगा, ऑब्वियसली नो मेकअप को अचीव करने के लिए भी थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से मेकअप करते हो। सो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक थोड़ी सी चेंज कर ली और जिससे मेरा मेकअप जो है वो एकदम से इन्हांस हो गया। अमल की हार्ट एंड सोल लिक्विड लिपस्टिक मैंने अप्लाई की है यहाँ पे। सो वीडियो को कर देते हैं यहीं ख़त्म, आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज़।